पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी भारत में ही पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हम में से केवल 30% लोग ही शाकाहारी हैं। 2014 की सरकार की रिपोर्ट बताती है कि इस देश में 70% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। हालांकि हम दूसरे देशों से काफ़ी कम मांस खाते हैं, फिर भी यहाँ हर साल 40 लाख टन पोल्ट्री मीट खाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या में होते हैं चिकन्स। भारत में हर साल 2.5 अरब से ज़्यादा मुर्गे मार दिए जाते हैं। इसका मतलब है हर दिन 75 लाख और हर मिनट 5000 मुर्गे मार दिए जाते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि एक मुर्गे की लाइफ हमारी प्लेट पे आने से पहले कैसी होती है? तो जानते हैं राजा नाम के एक मुर्गे की कहानी शुरू से आखिरी तक। कहानी शुरू होती है हैचरी में एक मुर्गी के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधारण से। मुर्गों का स्पर्म यानी वीर्य इकट्ठा कर लिया जाता है और मुर्गियों को उल्टा करके इंजेक्शन से उनकी वजाइना मतलब योनि में डाला जाता है ताकि वो ऐसे अंडे दें जिनमें चूजे हों। इन अंडों को फिर अलग कर लिया जाता है और आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर्स में गर्म किया जाता है। ये यहीं पर पैदा होता है। कई बार चूजे डिफॉर्म यानी विकृत पैदा हो जाते हैं। अब वो कोई काम के नहीं होते, इसलिए उन्हें अलग करके कुछ घंटे के चूजों को ही या तो भूखा मरने के लिए फेंक दिया जाता है या सीधे मार दिया जाता है। इन्हीं चूजों में एक पैदा होता है राजा। पैदा होते ही राजा और उसके साथ के सारे चूजे चहचहाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चूजों की आदत होती है पैदा होते ही जोर जोर से अपनी माँ को पुकारना ताकि वो करीब रहे। लेकिन इनकी आवाज़ इनकी माँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि वो तो किसी पिंजरे में बंद होकर और चूजों वाले अंडे दे रही है। इसके बाद राजा को यहाँ वहाँ फेंका जाता है, इस बक्से से उस बक्से में, कभी कन्वेयर बेल्ट पे, कभी किसी के हाथों में। उसे और बाकी के चूजों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि उनकी माँ कहाँ है, वो खुद कहाँ है और उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। इस तरह गिरते लड़खड़ाते हुए आखिरी में वो पहुंच जाता है एक बंद बक्से में, जहां से उसे और उसके जैसे हजारों चूजों को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजा जाएगा। और फिर शुरू होता है राजा के जीवन का दूसरा चरण। पोल्ट्री फार्म में पहुंचते ही चूजों से भरे बॉक्सेस को खाली किया जाता है, फिर राजा और उसके सारे दोस्तों को एक मैदान में फेंक दिया जाता है। चिकन्स के बारे में एक मज़ेदार बात आपको बताऊं, वो बिल्कुल इंसानों की तरह दूसरे चिकन से दोस्ती करते हैं और फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, और जो चिकन उन्हें पसंद नहीं आते उनसे वो थोड़ा दूर ही रहते हैं। खैर, कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं, पानी और खाने की सप्लाई लगातार होती है। राजा और उसके दोस्त वहीं खाते हैं, वहीं मलमूत्र त्याग करते हैं, उसी गंदगी में रहते हैं और वहीं सोते हैं। वो देखता है कि कुछ मुर्गों को खुद की गंदगी में रहने से बीमारियां भी हो रही है और वो काफ़ी परेशान है। अपनी ही गंदगी में रहने के कारण इन्हें कई बार खतरनाक स्किन की बीमारियां हो जाती हैं, जिनका कभी कोई इलाज नहीं होता। धीरे धीरे राजा को एहसास होता है कि उसका शरीर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहा है। होता यह है कि हमने चिकन्स की दो प्रजातियाँ बना दी हैं, एक लेयर और दूसरी ब्रॉयलर। लेयर को केवल अंडों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा इस तरह का बना दिया गया है कि वो कम खाना खाती है और उसका वजन भी कम बढ़ता है। ऐसा इसलिए ताकि एक ही पिंजरे में 5 से 7 मुर्गियाँ ठूसी जा सकें। दूसरी ओर हैं ब्रॉयलर, जिन्हें केवल मांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें ऐसा बना दिया गया है कि ये जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बड़े हो सके। अब जाहिर सी बात है कि राजा को बहुत अजीब लग रहा था, उसका शरीर तो बड़ा होते जा रहा था लेकिन उसके पैर उसके वजन को संभाल नहीं पा रहे थे और उसको चलने में तकलीफ होने लगी थी। ब्रॉयलर्स के साथ अक्सर ये समस्या होती है। वो अपने दोस्तों को देख रहा था कि किसी के पैर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं, किसी के पैर आड़े तिरछे हो गए, कोई जैसे तैसे रेंग कर खाने तक पहुंच रहा है और कुछ तो वहीं ढेर हो गए और भूखे मरने वाले हैं। कई मुर्गों का ये हाल होता है और जो चल पाते हैं उनका शरीर भी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इतनी जल्दी बड़ा होने के कारण इन्हें हार्ट अटैक और सांस की बीमारियों का भी खतरा होता है। ये मुर्गे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनका दर्द भी बढ़ता जाता है। इनको सिलेक्टिव ब्रीडिंग से ऐसा बना दिया गया है, अगर इन्हें 8 हफ्तों बाद भी नहीं मारा गया तो इनकी हालत और बिगड़ती जाएगी। वैसे भी हर साल लाखों मुर्गे इतनी बुरी कंडीशन में रहने के कारण यूं ही मर जाते हैं। पोल्ट्री फार्म में आने के 6 से 8 हफ्तों के बाद राजा की जिंदगी का आखिरी पड़ाव आता है। राजा और उसके साथ के सभी मुर्गों को जितना जल्दी हो सके एक ट्रक के पिंजरों में ठूस दिया जाता है। ये यात्रा कई घंटों की होती है और कुछ मुर्गे तो रास्ते में ही मर जाते हैं, लेकिन राजा जैसे तैसे फिर बच जाता है और वो पहुंच जाता है कत्लखाने। यहाँ आकर भले ही कोई मुर्गा बीमार हो, भूखा हो, प्यासा हो, उनकी कोई देखभाल नहीं की जाती, क्योंकि उन्हें आज नहीं तो कल बस मरना ही है। मुर्गे काफ़ी समझदार होते हैं, उनमें वैसी ही भावनाएँ होती हैं जैसी इंसानों में होती है। जब राजा अपने साथ वाले मुर्गों को अपनी आंखों के सामने कटता हुआ देखता है तो जाहिर सी बात है वो पूरे समय डरा हुआ ही रहता है। कुछ ही समय बाद राजा का नंबर भी आ जाता है। कसाई उसको पकड़ता है, उसके पंख साइड में करता है और गर्दन पर छुरी चलाकर तड़पने के लिए फेंक देता है। राजा दर्द से कुछ मिनट तड़पता रहता है और आखिरी में दम तोड़ देता है।
उसकी जिंदगी 8 से 12 साल की हो सकती थी, लेकिन उसे 40 दिन में ही मारकर खा लिया गया। हमारे कुछ मिनट के स्वाद के लिए इन पक्षियों को इतना दुख सहना पड़ता है पैदा होने से लेकर कटने तक। एक मुर्गे की उम्र की अगर इंसान से तुलना की जाए तो 6 महीने का मुर्गा लगभग 12 साल के बच्चे जितना बड़ा होता है। अब आप सोच सकते हैं कि 2 महीने से भी कम उम्र के पक्षी बिल्कुल बच्चे होते हैं और इन बच्चों को ये हद से ज़्यादा बड़ा करके मार दिया जाता है केवल हमारे स्वाद के लिए। मुर्गों के जीवन में दर्द के सिवा और कुछ नहीं होता। पैदा होते ही माँ से बिछड़ जाना, उनके नाजुक शरीर को इधर उधर फेंक कर ट्रांसपोर्ट किया जाना, फिर अगले कुछ हफ्तों तक खिला खिला कर ज़बरदस्ती बड़ा किया जाना, उन्हें चर्म रोग, हृदय रोग, श्वास रोग होना और उनका विकलांग हो जाना, और आखिरी में गर्दन काटकर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाना। इस बात को समझकर निष्कर्ष यानी कंक्लूजन तो यही निकलता है कि मांस खाना सही नहीं है, क्योंकि हमारा स्वाद किसी की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही मांस छोड़ने की बात आती है तो अधिकतर लोगों के मन में 3 बातें तो ज़रूर आती हैं। पहली, यही जीवन चक्र है, आखिर शेर भी तो मांस खाता है। तो देखिए, जानवर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमने पीछे छोड़ दी। शेर जब मिलते हैं तो वह हाथ नहीं मिलाते, एक दूसरे को सूंघ कर हेलो बोलते हैं। वो ईंट सीमेंट का घर नहीं बनाते, वो शादी नहीं करते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं लेकिन जानवर नहीं करते, और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें जो जानवर करते हैं लेकिन हम नहीं करते। हमारे पास चुनाव करने की ताकत है, आज हमें मांस खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अक्सर इस संबंध में प्रोटीन की बात होती है, तो हर 100 ग्राम चिकन में 27 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं हर 100 ग्राम सोयाबीन में भी 27 ग्राम, राजमा में 24 ग्राम, मूंगफली में 26 ग्राम, मूंग में 24 ग्राम और 100 ग्राम सोयाबीन की बड़ी जिसे सोया चंक्स कहते हैं उसमें तो 52 ग्राम प्रोटीन होता है, और ये सब कुछ मांस से बहुत सस्ता है। तो प्रोटीन के लिए मांस खाना ज़रूरी है ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरे तो धर्म ने इस बात की परमिशन दी है, या वो एक धर्मगुरु भी मांस खाते हैं तो मैं भी खाऊंगा। तो हो सकता है आपको आपके धर्म ने परमिशन दी हो, लेकिन कंपलसरी तो नहीं कर दिया होगा। ज़रूरी तो नहीं है कि उस मुर्गे को 40 दिन तक दुख दे के एक दर्दनाक मौत मारना ही है। ऐसे ही अगर उन एक धर्मगुरु ने मांस खाया था तो क्या उन्होंने ये भी बोला कि सभी को मांस खाना ज़रूरी है, वरना आप धार्मिक नहीं हो सकते? और क्या आप उनकी बाकी कही हुई बातों पर भी चल रहे जो उन्होंने करने को कही थी? क्या आप उसी रास्ते पर हैं, या सिर्फ आप उन धर्मगुरु का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप मांस खाना जारी रख सकें? अगर वो आज होते तो क्या आपको पक्का विश्वास है कि मुर्गों की इस दयनीय स्थिति को देखकर भी वो मांस खाते और आपको भी कहते कि जमकर मांस खाओ? और आखिरी में सबका पसंदीदा तर्क, पौधों को भी तो दर्द होता है, वो भी तो जिंदा है। इसका जवाब विज्ञान हमें दे चुका है, और वो ये है कि पौधों के शरीर में नर्वस सिस्टम नहीं होता और उनके पास कोई ब्रेन भी नहीं होता, साथ ही साथ उनके पास नोसीसेप्टर्स नहीं होते जो कि दर्द का अनुभव करते हैं। यानी पौधे बने ही ऐसे हैं कि उन्हें दर्द नहीं होता, होता ही नहीं। ये आर्ग्यूमेंट यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम मान भी लें कि पौधों को दर्द होता है, तो भी वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि 1 किलो मांस पाने के लिए उस मुर्गे को आपको 2 से 3 किलो पौधे खिलाना पड़ता है। अब अगर आप वो 1 किलो मांस खाते हैं तो आपने टोटल 3 से 4 किलो जीवों का कत्ल किया है। वहीं दूसरी ओर अगर आप सीधा 1 किलो पौधे ही खा लेते हैं तो आपका पेट तो उतना ही भरेगा, लेकिन आपने 1 ही किलो जीवों की हत्या की होगी। हालांकि पौधों को दर्द नहीं होता, पर अगर मान भी ले कि होता है तो भी जानवरों से ज़्यादा पौधों को ही खाना अच्छा है, क्योंकि जीव हत्या उसी में कम होगी। अब हमने नोसीसेप्टर्स की बात की, अगर हम चिकन्स को देखें तो उनमें नोसीसेप्टर्स होते हैं बिल्कुल इंसानों की तरह। यानी अगर आपकी गर्दन काट कर आपको तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए तो आपको जैसा दर्द होगा ठीक उसी प्रकार से एक मुर्गे को होता है। देखा जाए तो हम ऐसी सज़ा तो आतंकवादियों और बलात्कारियों को भी नहीं देते जैसी हम इन मुर्गों की ज़िंदगी बना देते हैं, जबकि इनकी कोई गलती भी नहीं है। अब यहाँ आपको किसी से लड़कर इन मुर्गों को इस नर्क से नहीं बचाना है, आपसे बस ये उम्मीद की जा रही है कि आप मांस खाकर इन मुर्गों को मारने में मदद ना करें। आखिरी में अगर आपको मांस खाना ही है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सच ये है कि इन जिंदा और समझदार पक्षियों को इतना ज़्यादा दुख देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने स्वाद के लिए उन्हें मारे बिना भी बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। आपके पास विकल्प है, आप चाहें तो ज़रूरी ना होने पर भी मांस खा सकते हैं, या फिर आप इन पक्षियों पर दया कर सकते हैं। उम्मीद है आप वही चुनेंगे जो भारत की मिट्टी में है, करुणा और अहिंसा।